हे एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको तीन टिप्स देने वाला हूँ जिससे आपकी ड्राइंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करें फ्यूचर में ऐसी और वीडियो के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, टिप नंबर वन है लाइन प्रैक्टिस। आपको डेली 15 से 20 मिनट लाइन प्रैक्टिस करनी है। ज़रूरी नहीं आप लाइन से बनाएं, आप शेप्स भी बना सकते हैं, जैसे सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने काफ़ी सारी शेप्स बनाई हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, वर्टिकल लाइन बनाई है। ऐसे ही आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। टिप नंबर टू है डेली ड्राइंग। आपको डेली कुछ ना कुछ ड्रॉ करना है। इसके लिए आप एक स्केच बुक भी बाय कर सकते हैं। ऐसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इस स्केच बुक में डेली कुछ ना कुछ ड्रॉ किया है, जैसे आईज, नोज, लिप्स। और खाली यही नहीं, आप ह्यूमन फिगर भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप फ्री एंड आउटलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, टिप नंबर थ्री है, आप जो भी आर्टवर्क बनाएं, जो भी ड्राइंग बनाएं, उसको आपको एनालाइज करना है। जो भी आपने उस आर्टवर्क में गलती करी है, उसको आपको आगे रिपीट नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, ये ऋतिक रोशन का आर्टवर्क है जिसमें मैंने पहली बार काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग करी थी। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें आपको स्किन में छोटे छोटे पोर्स देखने को मिलेंगे। अब मैं फ्रेंड्स आपको कुछ अपने पुराने आर्टवर्क दिखाता हूँ और कुछ रिसेंट आर्टवर्क दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, जो आपको लेफ्ट में आर्टवर्क दिख रहा है ये 2021 का है, और जो राइट में दिख रहा है ये रिसेंट आर्टवर्क है। सो इन दोनों में आप डिफरेंस क्लियरली देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप फ्यूचर में ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।